अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन फटाफट देखिए दूसरी बात ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपको कोई भी अगर डाउट आता है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहां पे आपसे जरूर कनेक्ट करूंगी ठीक है तो पहली बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं नाउन इसका आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि नाउन होता क्या है कितने टाइप्स का होता है और वो क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है तो देखो नाउन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपको एक चीज पता होगी कि नाउन क्या होता है नाउन अगर जनरल बात में हम करें देखो दो चीजें होती है एक हमारी होती है लिविंग एक होती है हमारी नॉन लिविंग बायो में तो आपने पढ़ा ही होगा ना पुरलव सर अच्छे से पढ़ाते हैं आपको बायो लिविंग और नॉन लिविंग आपने अच्छे से पढ़ा होगा अब लिविंग में क्या आता है हमारा ह्यूमन आ जाएगा एनिमल आ जाएगा ठीक है बर्ड्स आ जाएंगे ठीक है और क्या आ जाएगा इंसेक्ट्स आ जाएगा ठीक है और जितने सारी चीजें जो लिविंग हैं वो आ जाएंगी नॉन लिविंग में हमारा क्या आ जाएगा चेयर आ जाएगी टेबल आ जाएगी ठीक है और क्या चीज मोबाइल पेन ठीक है और क्या क्या चीजें जितनी भी सारी नॉन लिविंग चीजें हैं वो हमारी इधर आ जाएंगी अब देखो कहने का साफ साफ मतलब क्या कि जो भी चीज हम देख पा रहे हैं ना अपने आसपास मेरे हाथ में पेन है 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 मैं एक मैं चेयर पे बैठी खुद हम सब क्या है? एक नाउन ही यानी कि एवरीथिंग जो वो भी हमारे सराउंडिंग में मौजूद है ना वो सब कुछ नाउन है तो सिंपल सी भाषा में अगर बोले ना तो नाउन क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा हमारा नेम ऑफ अ पर्सन जैसे क्या हमारा नेम हो गया मेरा इनाम ले लो याशिचा राधिका अनुज और कौन कौन से नाम ले लो पूर्श सर का नाम ले लो ठीक है और किसका नाम ले लो दीपक ले लो ठीक है अब मेरी डॉग का नाम है कैंडी कैंडी का नाम ले लो ये सारे क्या हो गए नाउन हो गए नेम हो गए पर्सन के ठीक है कैंडी ऑफ कोर्स पर्सन नहीं है बट एक लिविंग बींग तो है ना ठीक है तो हमारा कैंडी है एक नाम ही है नाम हमारा पर्सन में आ गया दोस्तों इससे पहले मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगा डमी आपके लिए एक और नया बैच कोर्स लेकर आ रहा है जो कि कंप्लीट नाइन्टी डेज़ का बैच कोर्स होने वाला है जो है अगस्या एन डी ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के नाम से अभी तक अन अकेडमी पूरे के पूरे ढाई हज़ार से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुकी है एन डी ए में तो इस कोर्स में आपको अर्पित चौधरी सर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं सनी वर्मा सर आपको जोग्राफी पढ़ाएंगे सुनील कुमार गुप्ता सर आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे कार्तिकी चौधरी सर आपको पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री पढ़ाएंगे धीरज शर्मा सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे राधिका मैम आपको फिज़िक्स पढ़ाएंगी श्वेता मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी और मैं आप सबको पता है क्योंकि ए सौ बायोलॉजी कहलाया जाता हूँ तो मैं आप लोगों को इसको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और ये कोर्स एक कंप्लीट बैच कोर्स होने वाला है जो बच्चे सोचेंगे कि क्या ये संकल्प का जो एक्सटेंडेड पार्ट है नहीं संकल्प बैच जो होता है वो हमारा बेसिकली सिक्स मंथ्स का बैच कोर्स होता है और ये वाला बैच कोर्स जो है वो आपका पूरा नाइन्टी डेज़ का बैच कोर्स है तो दोस्तों इस कोर्स में भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस में जाएंगे और ये कोर्स बेसिकली हमने उनके लिए टारगेट किया है जो बच्चे तीन महीने में अपनी एन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी तक दोस्तों अन अकेडमी ढाई हजार से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुका है तो आप भी इसमें एक पार्ट बन सकते हो अपने एन डी ए वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो है ना तो ये जो बैच को स्टार्ट होने वाला है दोस्तों आपका बारह जनवरी से होने वाला है और ये जाएगा आपका थर्टीथ मार्च तक तो बारह जनवरी से लेके थर्टीथ मार्च तक आपका ये बैच कोर्स रहेगा तो आपने अगर अभी तक प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर तो तो आपकाउंटमी प्लस नेक्स्ट देखो नेक्स क्या है मुंबई ले लो दिल्ली ले लो ठीक है बेंगलोर ले लो अंबाला ठीक है चंडीगढ़ दुबई ठीक है ये सारी चीजें किस में आ गई प्लेसेस में नेक्स्ट क्या हो गया एनिमल एनिमल में क्या आ सकता है हमारा देखो एनिमल में हमारा आ सकता है डॉग कैट काओ और कौन कौन से एनिमल होते हैं बफलो फॉक्स टाइगर ठीक है और कौन कौन से होते हैं जितने भी सारे हमारे जानवर होते हैं ईटीसी ईटीसी करके जितने भी सारे हमारे जानवर होते हैं वो किस में आ जाएंगे हमारे एनिमल वाले में आ जाएंगे तो वो भी क्या कहलाएंगे नाउन कहलाएंगे ठीक है और एक चीज देखो थिंग्स थिंग्स में क्या है सारी ही चीजें पेन हो गया बैग हो गया ठीक है बॉटल हो गई ठीक है चश्मा हो गया मेरा चश्मे वो क्या बोलेंगे स्पेक्स बोलेंगे ठीक है और क्या बोलेंगे हम लैपटॉप ले लो टीवी ले लो यानी टेलीविजन ले लो उसके बाद हमारा टैब ले लो ठीक है ये सारी चीजें हमारी थिंग्स में आ जाएंगी तो मान के चलो ये जितनी सारी चीजें हैं ना यानी जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई लिविंग नॉन लिविंग ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी हमारी नाउन में आ जाएंगी अब बात आती है मैं एक बार इसको क्लियर कर दू फटाफट आप अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो तो एक बात आपको बता दूं कि जो हमारे नाउन होते हैं ना उनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यार देखो इतने नाम है इतने सारे लोग हैं कैसे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप का नाउन है भाई तो हमें पता करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट है ना जैसे कि हमारी बायोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है किंगडम की क्लासिफिकेशन होती है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन होती है इवन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन होती है होती है ना तो वैसे ही हमारा क्या होता है इंग्लिश में भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है तो नाउन की क्लासिफिकेशन भी ऐसे ही होती है वैसे तो हमारे काइंड्स पांच ही होते हैं लेकिन उसके बाद उनको फर्दर कैटेगराइज भी किया जाता है तो चलो एक बार हम अपने काइंड्स ही डिस्कस कर लेते हैं पहले उसके बाद हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके okay, तो देखो बेसिकली हमारे पांच काइंड के नाउन हो जाते हैं पहला नाउन क्या होता है हमारा कॉमन कॉमन नाउन ये इसके सारे बच्चे हैं ठीक है ठीके? मान के चलो इनके बच्चों के नाम है नाउन के बच्चों के नाम देन इट इज प्रॉपर नाउन ठीक है थर्ड हमारा क्या है मेटीरियल नाउन फोर्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द फिफ्थ वन इज हमारा कलेक्टिव नाउन ठीक है तो ये पांच हमारे टोटल काइंड्स होते हैं अब मैं आपको एक बार छोटा छोटा बता देती हूँ कि कॉमन प्रॉपर नाउन क्या होता है कॉमन और प्रॉपर नाउन साथ में चलता है प्रॉपर नाउन कब बन जाता है वो जब एक पर्टिकुलर चीज का नाम दिया हो जैसे मेरा नाम दिया हुआ है आपका नाम दिया हुआ है या फिर किसी कुत्ते का नाम मैंने रख दिया किसी बिल्ली का नाम रख दिया तो पर्टिकुलराइज कर दिया हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ ये चीज यही है जैसे कि मैंने दिल्ली रख दिया अगर मैं उसे सिटी बोलू सिटी वो कॉमन नाउन में आ जाएगा क्योंकि कितनी सारी सिटीज है भाई हम किस सिटी का नाम दे रहे हैं हमें क्या पता अगर मैंने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया स्पेसिफाई कर दिया कि दिल्ली मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन है अगर मैं बोलूँ की मुझे एक सिटी में जाना है अब मुझे खुद ही नहीं पता भाई कौन सी सिटी में जाना है ना तो सिटी एक कॉमन नाउन हो जाएगा तो कॉमन और प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस है जो कॉमन नाउन है वो किसी भी चीज में हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिख दिया काओ लेकिन हमें ये नहीं पता कैसी काओ का है, वाइट का है ब्लैक काओ है काओ का नाम क्या है रामवती है फूलमती है क्या नाम है हमें नहीं पता लेकिन प्रॉपर नाउन में हमें स्पेसिफाई हो जाता है कि भाई ये क्या चीज है नेक्स्ट हमारे दोनों आते हैं मेटीरियल एंड एबस्ट्रैक्ट नाउन मटीरियल नाउन क्या होता है मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जिस चीज से हम कोई थिंग फॉर्म कर सके या उस चीज से कोई चीज बनी हुई हो जैसे मान लो वॉटर वॉटर आयरन गोल्ड ठीक है सिल्वर ये हमारे आ जाएंगे मेटीरियल नाउन के अंदर वॉटर से हम क्या बना सकते हैं लेमनोइड बना सकते हैं सोडा बना सकते हैं नींबू और लेमन मिक्स करके लेमोनोइड बना सकते हैं आयरन से क्या बना सकते हैं आयरन से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जैसे अलमीरा बना दी ठीक है गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं बैंगल बना सकते हैं सिल्वर से भी हम लोग क्या बना सकते हैं इयर रिंग बना सकते हैं या रिंग बना सकते हैं ठीक है थीके? तो ये हमारे मटेरियल नाउन हो जाएंगे जिस चीज से कोई चीज फॉर्म हो सके उस... या फिर कोई थिंग बन सके उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं हमारी फीलिंग्स या बोले तो इमोशन इमोशंस ठीक है या फिर हम बोले तो हमारे आइडियाज या अगर हम बोले तो हमारे बिलीफ जो भी हम सोच सकते हैं जिसको बेसिकली हम अपने पांच सेंसों से जो पांच सेंसेस होते हैं हमारे उनसे हम नहीं कर सकते हम देख नहीं सकते टेस्ट नहीं कर सकते टच नहीं कर सकते सुन नहीं सकते ठीक है ये हमारे पांच सेंसेस होते हैं उसे हम क्या करेंगे अगर जैसे अगर हम बोले ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी क्या होती है हमारी आपके उसे फील कर सकते हैं जी हाँ हम ह्यूमेनिटी फील कर सकते हैं अगर सामने से हमारी कोई मदद कर दे भाई क्या होता है ह्यूमैनिटी हिंदी में इंसानियत इंसानियत के नाते हमारी कोई मदद कर दे तो हम देख सकते हैं उसको कि भी मदद करता हुआ उस इंसान को देख सकते हैं ना उसकी मदद तो नहीं देख सकते है ना तो ह्यूमैनिटी एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लव प्यार मैं आपसे प्यार करती हूँ ठीक है मैं आप सभी से प्यार करती हूँ मेरा प्यार आपको दिखता है किसके मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपसे प्यार से बात कर रही हूँ आपको ये चीज दिख रही है कि मैम कर रही है लेकिन आपको मेरा प्यार तो नहीं उड़ता हुआ दिख रहा है की हाँ यहाँ पर दिल, दिल, दिल तो उड़ते उड़ता आ रहा है नहीं आ रहे है ना ठीक है तो वैसे ही और चीज होती है ब्रदरहुड ब्रदरहुड क्या होता है भाईचारा भाईचारा कब दिखता है जब आप दो चार भाई लोग एक साथ मिलके होता है ना कि भाई कहीं लड़ाई हो रही है बोलते यार भाई जल्दी से आ जा हमारे यहाँ लड़ाई हो गई तो चार पांच जो दोस्त होते हैं वो मिलके जाते हैं ब्रदरहुड निभाने भाईचारा निभाने तो वो दिखता है कि आपके दोस्त चल के आ रहे हैं ब्रदरहुड चल के आ रहा है है ऐसा दिखता कभी नहीं दिखता ना तो वही चीज होती है ऐसी चीज है जो हम पांच सेंस से जो है टच नहीं कर सकते फील कर सकते हैं सिर्फ वही होती है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन क्या होता है कलेक्टिव नाउन ऐसी चीज होती है जैसे मान के चलो एक ग्रुप बना दिया लेकिन उसे हम सिंगल के फॉर्म में लेंगे जैसे मैंने बोला अ डेक ऑफ कार्ड एक कार्ड का जैसे डेक होता है ना आपने गड्डी देखी होगी ताश की गड्डी तो वो एक गड्डी को हम एक मान के चलते हैं ऐसे तो नहीं बोलते कि भैया जाके चार डेक चार कार्ड्स दे दो नहीं ना एक गड्डी दे दो ऐसे मांगते हैं जैसे हम बोलेंगे बंच ऑफ फ्लार बुके ऑफ फ्लार तो ये सारी चीजें हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाती है ठीक है अब इसको फर्दर मोर डिवाइड किया जाता है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जिसमें हमारा आता है जिस चीज को हम काउंट कर सके वो काउंटेबल नाउन है जिस चीज को हम नहीं काउंट कर सके वो अनकाउंटेबल नाउन है नेक्स्ट इस हमारा जेंडर के बेसिस पे आता है जेंडर के बेसिस पे क्या आता है फेमिनिन और मस्कुलिन कि भाई ये चीज फीमेल है ये चीज मेल है तो ये सारी चीजें हम लोग फर्दर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ठीक है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए देख लीजिए कि क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है ठीक है ताकि आप लोग जो है कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें आने वाली वीडियोस का और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके लाइव कॉमेंट्स नहीं देख सकती तो मैं सिर्फ आपके कॉमेंट्स देख सकती हूँ और कमेंट्स में अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउट है या फिर कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं वहां से आपको कनेक्ट जरूर करूंगी आपका रिप्लाई जरूर करूंगी ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती है। मिलते हैं थैंक्स फॉर हैं हम अपनी अगली वीडियो में